हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओपैम, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको ऑपरेशनल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप ये एम्पलीफायर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस के लिए, डिफरेंस एज अ डिफरेंस यूज कर सकते हैं, एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट एप्लीकेशन है, इसलिए इसको आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो आज हम क्या समझेंगे कि ये जो आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिख रही है, ये एक आइडियल ओपैम्प की सर्किट है, आइडियल ओपैम्प। तो आज हमारा यही टास्क रहेगा कि जो आइडियल ओपैम्प है, इसकी पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, उसको हम समझेंगे। तो ये एक आइडियल ओपन की इक्विवेलेंट सर्किट है, जिस पे आप देख सकते हैं निगेटिव टर्मिनल पे इनवर्टिंग इनपुट है और पॉजिटिव टर्मिनल पे नॉन इनवर्टिंग इनपुट है। एंड देन आपका ये इनपुट इम्पीडेंस है, दिस इज आवर पॉजिटिव सप्लाई एंड दिस इज नेगेटिव सप्लाई, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट इम्पीडेंस है, ये आपका गेन है। तो इसकी पैरामीटर्स ये है, ओपन लूप गेन, देन इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, बैंडविड्थ, ऑफसेट वोल्टेज। सो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सो आइडियल ओपन की जो ओपन लूप गेन है वो होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए भी बिकॉज आप ये एम्पलीफायर को एज अ एम्पलीफिकेशन यूज करना चाहते हैं। तो जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है और इनपुट सिग्नल्स है, उसको चाहेंगे कि एम्पलीफाई होके आउटपुट मिले आपको। सो इसीलिए जो आइडियल ऑपएम्प की गेन है, उसकी गेन मैक्सिमम हो, यही चाहते हैं। तो आइडियल ऑपएम्प की गेन हम एज अ इन्फिनिटी लिखते हैं, बट जो प्रैक्टिकल ऑपएम्प है या रियल, उसकी इन्फिनाइट नहीं होती। इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, ये भी इन्फिनिटी होती है आइडियल ओपैम्प की। वो इसलिए भी होती है, ये वाली वो इसलिए भी होती है क्योंकि जो भी इसके इनपुट करंट है, इनपुट जो भी करंट है इसके नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये हम इसको जीरो मानते हैं। अगर इसको मैं I1 लो और ये I2 लो, तो ये जीरो होना चाहिए, I1 और I2। और ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब आपका ये ओपन सर्किट होगा। और ओपन सर्किट कब होगा, जब ये इनफिनाइट इम्पीडेंस होगा। तो इनफिनाइट इम्पीडेंस होगा तो ये आपको एज ओपन सर्किट दिखेगा और ये जो इनपुट करंट आ रही है ये जीरो हो जाए। इसलिए जो इनपुट इम्पीडेंस है आइडियल ओपन की, ये इन्फिनिटी मानते हैं। जो आउटपुट इम्पीडेंस है आइडियल ओपन की, वो जीरो मानते हैं। इसलिए अगर अगर जीरो रहेगी तो इस पे कुछ सॉरी जीरो रहेगी तो जो भी आपका एज अ ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। वोल्टेज सोर्स जिसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो है, एंड वो आपको जो भी लोड है, लोड लोड इससे जो भी कनेक्टेड है, उसको मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर सके। सो इसलिए हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस जीरो मानते हैं आइडियल ऑपरेटिंग की। जो बैंडविथ है इसकी, वो एज फिर से ये इन्फिनिटी होती है, इसलिए क्योंकि जो ऑपएम्प है, इट विल ऑपरेट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी रेंज, जितने भी फ्रीक्वेंसी रेंज है ये सबके लिए ऑपरेट करे, इसलिए इसकी बैंडविथ इन्फिनिटी होती है। सो व्हेन आई से फ्रीक्वेंसी रेंज, जितने भी डीसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, इसे सारे फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये ऑपरेट करती है, इसलिए इसकी बैंडविथ इन्फिनिटी होती है। ऑफसेट वोल्टेज अगेन हम जीरो मानते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है तो इस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। और हम आइडियल ऑप एम्प में ये मानते हैं कि जो वी आउट है अपना, आपका वी आउट जो है वो जीरो होगा, वी आउट जीरो होगा अगर आपके जो इनपुट्स है वो सेम है। अगर आपके इनपुट सेम होंगे तो जो वी आउट होगा वो जीरो होगा। ओके okay? बट प्रैक्टिकल ऑपएम्प में क्या होता है, कुछ ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट्स रहते हैं। तो ये सारे आइडियल ऑपएम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनाइट, आउटपुट इम्पिडेंस जीरो, बैंडविथ इन्फिनाइट, ऑफसेट वोल्टेज जीरो। तो इसको आप समझ लीजिए। और ये जो एक सर्किट है ये एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो इसका हम लोग गेन निकालते हैं, गेन कितना होगा यूजिंग सम केवीएल और केसीएल इक्वेशंस एंड यूजिंग द आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। नॉन इन्वर्टिंग इसलिए क्योंकि जो पॉजिटिव पे है इस पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और नेगेटिव पे आपका ये फीडबैक सर्किट है एक, ठीक है। एंड ठीक है, तो हम ये एक जंक्शन मान लेते हैं नोट, ठीक है। ये इस पे हम लोग केसीएल लिखेंगे, तो आई एफ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। बट इफ दिस ऑप एम्प बिहेव एज एन आइडियल, तो मैंने बताया था जो इनपुट करेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आई एफ इक्वल टू आई वन, ओके, जो कि आई एफ क्या है, इधर से करंट आ रहा है तो वी आउट, इसको एक यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए वी वन, तो वी आउट माइनस वी वन बाई आर एफ फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहां से जो ये करंट आई वन जा रहा है वी वन बाई आर इन इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसको आप सोल्व करेंगे, बट बिफोर सोल्विंग इफ दिस इज बिहेविंग एज एन आइडियल ऑप एम्प, तो यहाँ पे जो वोल्ट, क्योंकि ये करंट जो है ये जीरो है, तो ये जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, ये जो वी इन है ये वाली सेम होगी, वी वन और वी इन सेम होगी। तो फॉर आइडियल ऑप एम्प आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर आइडियल ऑप एम्प वी वन इज वी इन, ठीक है। तो आप ये V1 का वैल्यू जो है यहाँ पे Vin इक्वल रखेंगे, तो आपका अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा ये Vout इक्वल टू Vin 1 प्लस RF बाय RN। तो ये जो है आपका ये जो टर्म है इसको हम लोग गेन बोलते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल है, आपने इसमें एक केसीएल इक्वेशन लगाया और आइडियल ऑप एम्प की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे आप ये गेन निकाल पाए। इसके बाद जो टॉपिक होगी उसमें हम सीएमआरआर क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, एंड देन पीएसआरआर पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, और कुछ इसके भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आप इसको कैसे वोल्टेज फॉलोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसका। थैंक यू।